नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे यशपाल शर्मा का निधन हो गया। जी हां, मंगलवार सुबह हार्ट अटैक आने की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा की जो उम्र थी वो 66 वर्ष थी और वो 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। यशपाल शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1969 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जबकि 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा ने 1978 में अपना वनडे डेब्यू किया था और 1985 में अपना आखिरी वनडे मैच भी खेला था। आपको बता दें कि विश्व विजेता टीम के साथ यशपाल शर्मा खेले थे, 1983 वर्ल्ड कप जीता था और इसीलिए मदन लाल ने भी अपने साथी खिलाड़ी के निधन पर शोक जताया और उन्होंने कहा है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि मदन लाल ने कहा है कि हमने पंजाब से खेल की शुरुआत की थी और फिर वर्ल्ड कप तक हम एक साथ खेले। आपको बता दें कि इसी टीम के हिस्सा रहे कपिल देव और मदन लाल, दोनों ही लोगों ने इस पे शोक जताया और उन्होंने कहा है कि हमने पूरी टीम से बात की है और सभी लोग परेशान हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यशपाल शर्मा अब उनके बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा की पत्नी और 3 बच्चे अभी उनके पीछे रह गए हैं और यशपाल शर्मा के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के नेशनल सिलेक्टर भी रह चुके हैं। यशपाल शर्मा के निधन पर बोलते हुए पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कहा कि आज हमारा परिवार टूट गया है। यशपाल शर्मा ने ही 1983 विश्व कप जीत का एजेंडा तय किया था। आपको बता दें कि कीर्ति आजाद के मुताबिक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस जब वो लौटे थे तो उन्हें सीने में दर्द हुआ था और उसी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया। Hi, I am Mary Kom. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shedasani. Namaskar, I am Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singhani. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, I am Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India.